और जिस ऑडिशन के थ्रू हम लोगों ने टॉप 10 कैंडिडेट्स हमें फिगर आउट हुए हैं वो बने हमारे सीजन 1 के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले हम दावा देते हैं हमारे फर्स्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को, मूसा खालिद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मूसा खालिद। आई एम 22 इयर्स ओल्ड एंड आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट, बट माय पैशन इज मॉडलिंग एंड आई प्ले अ लिटिल बिट ऑफ गिटार। कैसे तेरी ही नजर से ना तुझे मेरा चाहो, कैसे तेरी ही नजर से किसी द्वार के गिरा पाओ, कैसे तेरी खुद मेरे सी ना कुछ नहीं अच्छा। मस्त माला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, उसके यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया रिक बीरा मांचा रिक बीरा कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाया एक वीरा मांसा एक वीरा यूजा। आजा कुछ तो पुकारे तेरी परछाइया। उम्मीद है कि आई बी इन द टॉप फोर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। Actually, I'm hoping to get out better. Get out. To be a better version of you. Yes, I'm hoping that I improve myself, and I'm very much excited to be. Musa, what is your strength? My strength is modeling, and that's it actually. Well, Musa, thank you so much for being a part of Fast Fashion Village. Please take your seat. Thank you so much. Well, our next candidate who we are going to invite is Amira Hafiz. Assalamu alaikum, good evening everyone. My name is Amira Hafiz and I am an undergraduate and I am here for learning everything new and new adventures. So my strength is basically acting, but modeling is my thing too. So I have prepared a small skit for you. I hope you like it. It's my favorite actress, Pakistani actress. Her name is Sajal Ali, and the dialogue is from Yakeen Ka Safar. So here it is. Best of luck. So, all the best. Papa, जब इंसान से कोई गलती होती है और उसको उस गलती का एहसास हो जाता है तो अल्लाह उसको माफ कर देता है, लेकिन इंसान माफ नहीं करता। हम जितना भी इस गलती को सुधार लें, जितना भी इस गलती का एहसास हो जाए, इंसान हमेशा हमेशा हमें अपनी गलतियां गिनवाता है और हमें एहसास दिलाता है कि हम कभी बदल नहीं सकते। अब्बा, इंसान इतना जालिम क्यों होता है? अपा से वाकई में कोई इस तरह के कभी कोई मनासिब रहे हैं आपके? मेरे ख्याल से सबके रहे होंगे। इंसान वाकई माफ नहीं करता। ऐसे ही है? बिल्कुल। So what are you expecting like after this show, where you will be standing? I'll be more confident and I'll improve myself in a better way. Inshallah. Please, take a seat. Thank you so much. Okay, let's welcome our third finalist, Yashal Vaseem. So, my name is Yashal and I'm currently studying at ITU. So, I am a performer and I aspire to build a digital career.
through blogging and modeling. And I do a bit of a hosting, but as I said that I am a performer. I don't know if I said it, I forgot it. So I'm saying that I'm a performer, so I'm going to perform a little dance for you. So I hope you enjoy it. Wow. मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है मॉडलिंग और आई हैव टैलेंट ऑफ पोएट्री और मैं पोएट्री खुद भी लिख करता हूँ. तो आपको चंद लाइनें पंजाबी का एक जरूर स्टेज इज योर्स. केड़ी फर्ज नमाज मोहब्बतां दी, वाह केड़ी फर्ज नमाज मोहब्बतां दी, मिथो यार कजा हो गई. केड़ी फर्ज नमाज मोहब्बतां दी, मिथो यार कजा हो गई है. इक तू रुसिया मेरे नाल चन्ना, इक तू रुसिया मेरे नाल चन्ना, कायनात खफा हो गई. और तेथो निकल के मेकू इंज लगदा, तेथो निकल के मेकू इंज लगदा, जिवें मौत सदा हो गई. और मेरे दिल पर तेरे दिल विचों, मेरे दिल पर तेरे दिल विचों उका खत्म वफा हो गई है. हाय 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 हाय, बहुत क्या बात है. तो आप तो यार हो कभी कभी मिर्जा बने. हाँ भाई चलो तो मिर्जा बन के ही सब कुछ क्या बात है. What are you expecting for the show? I'm trying my best और I hope के मैं top finalist में जाऊँ. और मुझे इस शो के थ्रू अपना जो है टैलेंट शोकेस करने का मौका जो मिला है मैं उसको अच्छी तरह से अवेल करूँगा. नेक्स्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अब्दुल्ला भट्ट. सो व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ अब्दुल्ला? माय स्ट्रेंथ इज सिंगिंग. सिंगिंग मैं तेरे नाले दो मैं तेरे नाल डोलना एक दिल सीरे आ मेरे कोलना मैं लुटी नहीं आ डोलना वे मैं लुटी नहीं लाया लाया रसल आदे बुहे वे मैं तेरे लिए खोले हो बिना तू हुन मेरी अखियां तोले तेरे नाल डूबना तेरे नाल तरना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकरीज तोलना वे प्यार मेरा तू तकरीज तोलना एक दिल सीरिया मेरे कोल ना मैं लुटी दुनिया डोलना मैं लुटी दुनिया नया नया. मुझे यहाँ से ये उम्मीद है कि मैं यहाँ से जाने के बाद इंशाल्लाह टॉप फोर आने के बाद टॉप फोर में जब मैं सिलेक्ट होऊंगा तो मैं एक बहुत बड़े लेवल पे एक सिंगर होगा इंशाल्लाह. कैंडिडेट फॉर द क्वाड स्पेशल विलेज इज हुसैन अब्बास. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? आई एम फाइन. हाउ आर यू? आई एम गुड.
कैसी है आपकी तैयारी? तैयारी बिल्कुल बेहतरीन है, मतलब थोड़ा सा वो डर तो होता ही ऑफ कोर्स। कॉन्फिडेंस का लेवल कहाँ है? कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत है यार, हेलो एक्सक्यूज मी यार, मतलब क्या कहा ये क्या है, अपनी छाप छोड़नी है तो कैसे छोड़नी है वो तो आप पे डिपेंड करता है। आपने क्या रेडी किया आज के लिए? स्ट्रेंथ तो है फैशन मॉडलिंग, मतलब आई एम वेरी गुड इन पोजिंग और मुझे लगता है कि मैं इन सब से अच्छी पोजिंग कर
मॉडलिंग क्यों करना चाहती है? क्योंकि ये मुझे पसंद ही है, मैं इस फील्ड में आना चाहती हूं। और इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग रिसेंटली स्टार्ट की थी और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली शॉप पे आने के लिए, तो मैंने सोचा इसको अवेल किया जाए। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेती और अगर मॉडलिंग हो गई तो मॉडलिंग को परस्यू करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Coming and being a part of Bathwatcher Village. Now it's time for our last candidate for Bathwatcher Village. Varda, please come on the stage. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? I'm fine. How are you? I don't know why I feel like this is going to be a stage. क्योंकि वर्दा आपकी लास्ट परफॉर्मेंस है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ धमाकेदार। क्या है वर्दा की स्ट्रेंथ्स? दे आर सो मेनी, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू टेल। आई कैन सिंग, आई कैन डांस, मॉडलिंग एज वेल, आई वाज डूइंग फूड एंड फैशन ब्लॉगिंग एज वेल। तो बस कल give us a track please. मैं लिटरली लड़कियां देख के ना मैं मुंह छुपा लेता था। आई यूज्ड टू बी लाइक दिस, तो मेरे से बात भी नहीं होती थी कहीं पे, कहीं मैं जा नहीं सकता था। आई वाज लाइक यार आई शुड यू नो चेंज माय सेल्फ, इट्स अ हाई टाइम। सो देन आई डिसाइडेड टू गो इन दिस फील्ड। आई वर्कड अ लॉट। इनिशियली जब मुझे चांस इस तरह मिला कि मैं एक एजेंसी के पास गया और मुझे उन्होंने कहा जी आपका कल शूट है, एंड आई वाज लाइक आई वाज शेकिंग ना कि कल शूट है मेरा, मैं कैसे करूँगा शूट। बट इवेंचुअली आस्ता आस्ता वो पहला दिन था,
तो वहाँ से मेरा बेसिकली काम स्टार्ट हुआ. इसी तरह मतलब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेट टू लर्न थिंग्स अबाउट मॉडलिंग, अबाउट यू नो हाउ टू पोज एंड हाउ टू एक्ट. इसी तरह सारा चलता है. और मेरा ये मानना है कि अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है कुछ करने का तो आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है और आपके अंदर अगर करेज है. डिटर्मिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दैट. इस खूबसूरती का क्या राज है? सर कुछ नहीं करते अपने ऊपर, बस टाइम ज़्यादा यही होता है क्या करना क्या है, खाना क्या है, एक्सरसाइज क्या करनी है. सो दिस इज ऑल यू नो यू हैव टू टेक केयर. सर आप लोगों को बता दूं कि आदित्य फिटनेस ट्रेनर भी हैं. जो कि बाहर के जो लोग होते हैं ना यूजुअली उनको पता होता है क्या करना है, उनको बताओ तो दे अंडरस्टैंड थिंग्स. यहाँ पे किसी को पता हो बार बार ना फोन ये कैसे करना था वो कैसे करना था कंफ्यूज हो जाते हैं. इस तरह का है सीन सारा. आदिल आज कैसा फील होता है इस मुकाम पर आके जब आपके बिलबोर्ड्स लगे होते हैं गुजरते हैं रास्ते से, कैसा लगता है? लिटरली बहुत अच्छा फील होता है. यू फील लाइक अ स्टार टोटली. सो एक लाइमलाइट और एक उसका एक यू नो एक क्या कहना चाहिए फील है ना, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट. आदिल आई वांट टू आस्क वन थिंग. आपको वो सवाल सुनने को मिला है कि मिलेगा इस मॉडलिंग को? बिल्कुल मिला है. बहुत से लोग डिस्करेज करेंगे खासतौर पर घर वाले फील्ड है ये गलत फील्ड है. कोई गलत फील्ड नहीं है, इंसान गलत अच्छे होते हैं, फील्ड कोई भी गलत हो. थोड़ा सा आपको छोड़ देंगे क्योंकि आपने हमारे आज के जो दो कैप्टन हैं फॉर द नेक्स्ट टास्क वो आपने डिसाइड कर दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. लिटरली आई एम सो कंफ्यूज्ड. तो ऊपर से मुझे मैंने मिस किया है सब परफॉर्मेंसेस. आई विल सी एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस अगेन. बट ये कि जो मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है मैंने देखा है आप लोगों को बात करते हैं सबको ओवरऑल कैन आई से स्टिल कंफ्यूज. क्या है ना क्या कहना एक मेल कैप्टन और एक टीम. अच्छा एक मेल कैप्टन. It's gonna be a tough thing for me to choose. I think Hussain. Congratulations. Amira. Come on the stage, Amira. Okay, thank you so much, Adan. My pleasure, thank you. अब आप दोनों ने वन बाय वन एक एक कैंडिडेट अपनी टीम के लिए सिलेक्ट कर दिया. वेलकम मूसा. हुसैन की तरफ आगे खड़े हो जी. अमीरा. अमीरा माइक पे. यशल. यशल थैंक यू. पहले से दाहर ये बॉय अब्दुल्ला. नाम मुझे भूल जाता है. इस्मा. हाँ यार. वो मेरे पास आवाज है सिर्फ. मेरे से आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी टीम को लेकर? क्या लगता है? And why did you choose this team? आई एम शेकिंग कॉन्फिडेंट और मतलब खुशी सब ज़्यादा तब हुई थी जब मुझे अमीरा ने फौरन एक चांस दिया था अच्छा बंदा चलने के लिए, मतलब कहने के लिए जो मुझे पसंद है टीम की परफॉर्मेंस. मैंने आपको बताया रेट किया था कि कितनी अच्छी है. तो दैट्स आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरी टीम जो भी परफॉर्म करेगी बेस्ट करेगी. तो हमारे
उम्मीद है पूरा होता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल Hope for betterment and they will rock inshallah. Inshallah.